नेपाल पीएनजी मलेशिया की ट्रांजिशन सीरीज अभी अभी कंप्लीट हुई है और जिसमें नेपाल अनबीटेड रहने के साथ साथ विनर अनाउंस हुए हैं पूरी तरह से जब उन्होंने फाइनल कल जीता। अब ओवरऑल इस सीरीज की परफॉर्मेंस रिपोर्ट का अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि टॉप स्कोरर कौन से रहे, टॉप विकेट टेकर कौन रहे, बेस्ट स्ट्राइक रेट किसका रहा, किसका बेहतरीन एवरेज है, मोस्ट सिक्सेस किन्होंने लगाए, वर्स्ट परफॉर्मर्स कौन कौन से रहे हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस कौन कौन से रहे हैं, यंग प्लेयर्स का परफॉर्मेंस कैसा हुआ है और जो हार्ड हिटिंग कैमियोज देखने को मिले हैं, कैमियो छोटे छोटे इनिंग्स लेकिन जबरदस्त इनिंग देखने को मिली है, वो सब किन किन की रही है, तो कंप्लीट इस वीडियो के जरिए आपको पता चल जाएगा कि इस टूर्नामेंट में आखिर हुआ क्या, कौन से स्टार परफॉर्मर्स रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले शुरू कर रहे हैं, किस सेक्शन से कर रहे हैं? बिल्कुल, सबसे पहले मोस्ट रन्स, जी हाँ मोस्ट रन के सेक्शन से जरूर शुरू करेंगे और उसमें सबसे पहला नाम है इस ट्राई सीरीज में दीपेंद्र सिंह यादव का, जिन्होंने 5 मैचेस में 255 रन बनाए और 2 हाफ सेंचुरीज और 1 शतक भी उन्होंने मारा और 85 का उनका एवरेज था। दूसरे जो प्लेयर है उनका नाम है पीएनजी से, जी हाँ टॉनी वूरा, जिन्होंने 5 मैचेस में 190 रन बनाए हैं, 47 का उनका एवरेज रहा है और 2 उन्होंने हाफ सेंचुरीज भी सेम मारी है। तीसरा नाम यहाँ मलेशिया से, जहाँ अहमद फैज उनके कप्तान, जिन्होंने 4 मैचेस में 176 रन बनाए हैं 44 के एवरेज से और 2 हाफ सेंचुरीज भी। बिल्कुल, तो यहाँ पर क्लियरली है कि ये तीनों अपने अपनी टीम के लिए टॉप स्कोर रहे हैं टूर्नामेंट में। उसके बाद चलते हैं दूसरी तरफ मोस्ट विकेट टेकर्स, मोस्ट विकेट टेकर्स में अपनी टीमों के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले प्लेयर इस टूर्नामेंट में कौन से रहे? बिल्कुल, और सबसे पहले जो नंबर पर है वो है करण केसी फ्रॉम नेपाल, जी हाँ करण केसी, जिन्होंने 5 मैचेस में 13 विकेट लिए हैं और 10 का उनका एवरेज है और 8.52 की इकोनॉमी रही है उनकी, तो बहुत अच्छी बॉलिंग है। और दूसरे नंबर पर पीएनजी के, जी हाँ काबुआ मुर्रिया, बहुत ही अच्छी बॉलिंग कराई है, 4 मैचेस में 8 विकेट उन्होंने लिए हैं और 16 का बॉलिंग एवरेज है काबुआ मुर्रिया का रहा है इस सीरीज में और 8.60 की इकोनॉमी रही है उनकी बॉलिंग इकोनॉमी, साथ ही इकोनॉमी रेट। और तीसरे नंबर पर है मलेशिया के पवनदीप सिंह, जी हाँ बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, 4 मैचेस में 6 विकेट लिए, 21 का बॉलिंग एवरेज है और 8.66 की इकोनॉमी रेट है। बिल्कुल, तो क्लियरली है करण केसी, काबा मोरिया और पवनदीप सिंह, ये तीनों अपने अपनी टीम की तरफ से टॉप स्कोर टॉप विकेट टेकर इस टूर्नामेंट में रहे हैं, लेकिन डिफरेंस आप देख सकते हैं कि जो टीम जीती है उसका और जो टीम सेमीफाइनल रही है उसका भी। खैर अगला सेक्शन, बिल्कुल, और अगले सेक्शन की बात करें तो मोस्ट हंड्रेड्स, जी हाँ मोस्ट 100 एंड मोस्ट 50 दोनों एक साथ, मोस्ट 100 बताने की जरूरत नहीं है, इकलौता शतक यहाँ पड़ा है पूरी ट्राई सीरीज में, वो किसी और से नहीं, दीपेंद्र सिंह एरी 110 नॉट आउट जो मारे थे। और 50 की बात करें तो यहाँ पर और प्लेयर भी इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे कि अहमद फैज फ्रॉम मलेशिया, टॉनी वूरा फ्रॉम पीएनजी एंड दीपेंद्र सिंह एरी फ्रॉम नेपाल, तीनों ने इक्वली 2-2 हाफ सेंचुरीज इस ट्राई सीरीज में मारी। बिल्कुल, तो काफी यानी कुल मिलाकर 6 हाफ सेंचुरी और 1 शतक इस ट्राइजन सीरीज में हमें देखने को मिला है। उसके बाद अगले सेक्शन के बारे में जानते हैं। बिल्कुल, अगला सेक्शन है सबसे बेस्ट एवरेज जिस बैट्समैन का रहा है इस पूरे ट्राई सीरीज में, वो कोई और नहीं दीपेंद्र सिंह एरी है, जिनका 85 का बैटिंग एवरेज रहा है, बहुत ज्यादा रहा है, बहुत बेहतरीन फॉर्म में। बिल्कुल, 2 हाफ सेंचुरी 1 शतक मारा है तो एवरेज और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली 85 का ही होगा। उसके बाद अगले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो वहां पर आ जाते हैं टॉप परफॉर्मर्स, जो फ्रेश परफॉर्मर्स और यंग परफॉर्मर्स, यहाँ पर ये भी है कि वो डेब्यू भी हो सकते हैं, शायद न्यूली डेब्यू हो या फिर यंग परफॉर्मर्स हो, वो उनमें भी हो सकते हैं। उनमें तीनों टीमों के लिए कौन कौन से प्लेयर आप पिक कर रहे हैं जिनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहा है? बिल्कुल, और सबसे पहला नाम रोहित पुनेल का, जी हाँ यहाँ पर डेब्यू किया, यंग भी है फ्रेश भी है, 5 मैचेस में 140 रन उन्होंने इस सीरीज में मारे हैं, 28 की एवरेज रही है और 1 हाफ सेंचुरी उनके बल्ले से निकली है और 130 भी उन्होंने मारी थी। और यहाँ पर दूसरा नाम है फ्रॉम मलेशिया से मोहम्मद वफीक, लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलर है, टीम के 4 मैचेस में 5 विकेट उन्होंने निकाले हैं, 24 की बॉलिंग एवरेज है और 7.78 की इकोनॉमी रही है। बिल्कुल, और सबसे बड़ा का रीजन है इनको इस यहाँ पे रखने का कि इनकी जो लेंथ है वो बहुत अच्छी थी, इन्होंने अपने फर्स्ट स्पेल में प्लेयर्स को काफी दिक्कत दी है, चाहे पीएनजी के खिलाफ हो चाहे नेपाल के खिलाफ हो, कुछ इंटरेस्टिंग लेंथ इनके पास है, इसी वजह से ये प्रॉमिसिंग टैलेंट जरूर। बिल्कुल, और थर्ड नेम है यहाँ पर काबुआ मुर्रिया का, 4 मैचेस में 8 विकेट उन्होंने निकाले हैं, 16 की बॉलिंग एवरेज रही है और 8.60 की उनकी इकोनॉमी रही है। बिल्कुल, तो ये बात हो गई जो भी फ्रेश और यंग परफॉर्मेंस इसमें थे जो टॉप हमें लगे इन तीन टीमों की तरफ से। अब यहाँ पर अगले सेक्शन की बात करें, यहाँ एक सिंगल सेक्शन है बेस्ट ओवर ऑफ द टूर्नामेंट,
अगर मैं बेस्ट ओवर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करूं तो आप उसे किस प्लेयर का ओवर आपको सबसे बेहतरीन लगा, एक ऐसा ओवर पूरे टूर्नामेंट का? बिल्कुल, और वो कोई नहीं, हमें फाइनल में जाके देखने को मिला। जी हाँ, ये बेहतरीन स्पेल कामिया ने जो डाला अपने ओवर में, तीसरा ओवर, जी हाँ वो तीसरा ओवर ले चौथा ओवर लेके आए और उन्हें सब कुछ खत्म करके रख दिया। 3 विकेट लिए, यॉर्कर जो डाली सटी दिलीप नाइट भी जबरदस्त, इसी वजह से ठीक ऑफ स्टंप पर चारों खाने चिंते से कहते हैं करना, वो उन्होंने किया। बस साइमन कामिया एब्सोल्युटली बिल्कुल, उसी ओवर में 3 विकेट निकाले और मैडिन ओवर में निकला, मैडिन ओवर में 7 विकेट निकाले और कहीं ना कहीं पूरी तरह से वहां पर मैच को टर्न अराउंड करने में वहां पर सक्सेसफुल रहे थे वो बॉलिंग डिपार्टमेंट में पीएनजी की तरफ से, और जो लेंथ ऑफ बॉलिंग थी वो आउटस्टैंडिंग। उसके बाद अगले सेक्शन में क्या है? बिल्कुल, बेस्ट हिटिंग कैमियोस, जी हाँ ये बहुत नया है और बहुत अच्छा भी है। पहला नाम इसमें है मोहम्मद आदिल आलम, जी हाँ जिन्होंने 31 रन मारे थे अपने 11 बॉलों में, जहाँ पर 1 चौका और 3 छक्के थे और पीएनजी के खिलाफ उन्होंने मारा था और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विनिंग थी। दूसरा नाम यहाँ पर आ जाते हैं जुबैदी जुल्फिकर, जिन्होंने पीएनजी के खिलाफ 46 रन मारे थे ओपनिंग आते हुए 22 बॉलों में और इसमें 2 चौके और 4 छक्के थे, बहुत बड़ा स्ट्राइक रेट से उन्होंने बहुत तेजी से रन बनाए थे। और तीसरा नाम यहाँ पर आ जाते हैं नॉर्मन वनुआ, बताने की जरूरत नहीं है कि इन्होंने नेपाल के खिलाफ जो पहला मैच हुआ था वहाँ पर इन्होंने क्या किया था, 52 रन 29 बॉलों में उन्होंने मारे थे और जिसमें कि 4 छक्के थे और 5 चौके शामिल थे, बहुत बहुत ज्यादा तेज खेले। बिल्कुल, तो ये 3 कैमियो जो थी वो बड़ी डिस्ट्रक्टिव और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग रही है, छोटी कम बॉलों में बिल्कुल साथ धमाका करने वाली इनिंग। और सबसे बड़ी बात है कि आप ये परफॉर्मेंस देखिए कितने यंग प्लेयर्स की तरफ से ये परफॉर्मेंसेस निकल कर आई है, खास करके अगर बात करूँ आदिल आलम और जुबैदी की। उसके बाद अगले सेक्शन की बात करें, बिल्कुल यहाँ पर जो वर्स्ट परफॉर्मेंस हुई है थोड़े बहुत प्लेयरों से, हाई एक्सपेक्टेशंस वर्स्ट परफॉर्मेंस, बिल्कुल सही। और सबसे पहला नाम कुशल गुर्जर का है, 5 मैचेस मिले कुशल गुर्जर को, सिर्फ 75 रन वो बना पाए, बहुत ही खराब उनका परफॉर्मेंस हुआ, 15 का एवरेज है, हर बार आउट हुए हैं, बहुत खराब परफॉर्म किया है। दूसरे नंबर पर लेगा साय का, जिनका परफॉर्मेंस भी सेम है, कुशल गुर्जर की तरह गया है और भी ज्यादा लो गया है, 5 मैचेस में सिर्फ 36 रन बना पाए, बहुत बहुत ही खराब। तीसरा है यहाँ पर शार्दुल बुनियांडे का, हर बार उनकी जाहिर सारा बैटिंग आई है, 4 मैचेस में सिर्फ 4 विकेट निकाल पाए हैं और 10 रन ही कंट्रीब्यूट कर पाए हैं अपनी टीम के लिए, जो कि बहुत बहुत ज्यादा वर्स्ट परफॉर्मेंस। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं वो कभी भी खली मलेशिया को बहुत बढ़िया अंदर रही है, सिर्फ बुनियांडे एक फाइन ऑलराउंडर है लेकिन यहाँ परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डिजास्टर नजर आया है। तो ये ओवरऑल पूरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड थी। अब यहाँ पर ये जान लेते हैं यार इस पूरे टूर्नामेंट में मोस्ट सिक्सेस किन के नाम। बिल्कुल, मोस्ट सिक्सेस यहाँ सबसे पहला नाम, जी हाँ टॉनी मुरा का है, यहाँ आखिरकार टॉनी मुरा बाजी मारते हुए ले गए, 5 मैचेस 16 सिक्सेस उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में मारे हैं। और दूसरे नंबर पर दीपेंद्र सिंह एरी हैं, जिनके 11 सिक्सेस हैं सेम मैचेस 5 मैचेस में। और तीसरे नंबर पर यहाँ सैयद अजीज आ जाते हैं, जिनके 4 मैचेस में 7 सिक्सेस हैं, बहुत तेज खेले थे, गैर सेकंड डाउन आते थे, बहुत अच्छा खेले। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं जहाँ भी बैटिंग डिपार्टमेंट की बात आ रही है दीपेंद्र सिंह एरी का नाम अलग अलग हर जगह है। और अगर हाईएस्ट स्ट्राइक रेट की बात करें यार तो कोई डाउट नहीं, करण केसी हाईएस्ट स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर इस टूर्नामेंट में है, मेरे ख्याल से 6 मिनट अब उनका स्ट्राइक रेट रहा है इस टूर्नामेंट में। और एक चीज और थोड़ी हैरानी वाली बात है, मैंने जाते जाते वो भी चेक किया था कि बेस्ट बॉलिंग एवरेज वो है कुशल गुर्जर का 1 का। की प्लेयर्स के अलावा तीनों टीम से कोई भी हो सकता है, एक प्लेयर जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है, आगे आपको उनसे बहुत उम्मीद है? देखिए बिल्कुल T20 क्रिकेट में नहीं प्लेयर है, आदिल आलम में वो बात नजर आती है, ये सीरियसली बिल्कुल लगता है देखने से कि अगर उनको ठीक से अगर वो शॉट सेलेक्शन कर पाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ और भी प्लेयर मौजूद हैं वहां पर, उनको भी हमने देखा है, लेकिन एज अ लगता है देखकर कि हो सकते हैं ये बहुत बड़े पैकेज, बिल्कुल हो सकते हिटर दिख रहा था, जो अभी उन्होंने लास्ट फाइनल में भी जब एक छक्का जो मारा था उन्होंने पीएनजी के खिलाफ, उसमें भी जो उनकी पावर है बहुत ज्यादा मार सकते हैं, बस अगर वो थोड़ा सा यूटिलाइज सही समय पर देख पाए कि ये बॉल कहाँ पड़ रही है, मैं उस जगह पे मारूंगा बजाय उस जगह के जहाँ ये बॉल नहीं जा सकती,
के बारे में बात कर रहा हूँ तो वो बहुत बहुत वैल्यूबल हो सकते हैं आधे नाम कहीं ना कहीं। बिल्कुल, और आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि शायद मोहम्मद रफीक जो है लेफ्ट आर्म जो पेसर है मलेशिया के, अगर उनके साथ बॉलिंग कोच की तरफ से उनके साथ थोड़ा काम किया जाए, या अगर आप कह सकें कि स्पेशल बॉलिंग कोच अगर उनकी रखा जाए, उनको कुछ मोटिवेट किया जाए, कुछ उनके पीछे अगर लगा जाए, तो डेफिनेटली वो एक बेहतरीन लेफ्ट आर्म पेसर निकल कर आएंगे। जो कि हम काबा मोरिया के अंदर देखते हैं, पीएनजी की तरफ से बिलाल खान के अंदर देखते हैं, उनकी लेंथ बहुत अच्छी है, इसीलिए हमने उनको फ्रेश परफॉर्मर्स में भी रखा था। तो देखना होगा कैसे इस तरह से चीजें बनती है, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लगातार एशियन क्रिकेट मैचेस की अपडेट्स हमारे यहाँ से मिलते रहे। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो जरूर कर सकते हैं, लिंक आपको हमारे चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय बाय।